फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्साइटेड क्योंकि हुनर बाज एक टैलेंट शो है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ. सो एक्साइटेड हूँ. एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है. रॉकनामा करके एक बैंड है उनके साथ, कुछ सूफी फोक रॉक परफॉर्मेंस. तो उसकी तैयारी चल रही है, रिहर्सल चल रही है एंड परफॉर्मेंस इज ऑन 28th. सो इट बी फन. ओके, आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं हुनर बाज? जैसे मैंने बताया आपको कि जॉनर है सूफी फोक रॉक, पर गाना मेरा एक फेमस गाना है जो हम फ्यूज़ कर रहे हैं पुराने सूफी नुसरत साहब के गाने के साथ. तो कुछ बहुत ही तड़कीला भड़कीला मेहनती काम होने वाला है. ओके, अगर आपको अपना हुनर दिखाने का कुछ मौका मिले तो आप क्या अलग हुनर अपना दिखाएंगे? सिंगिंग को छोड़ के? हाँ, डांसिंग. डांसिंग, या आई थिंक सिंगिंग डांसिंग ये दो हुनर ही है मेरे पास. हुनर बाज में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? सी दोनों, अभी मुझे ऑब्वियसली डांसर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर दोनों जो रॉक, एक तो रॉकनामा है और आई थिंक एक हिमाचली पुलिस बैंड है जो भी बहुत अच्छा करते हैं. और मैंने सारे ऑनेस्टली परफॉर्मेंसेस देखे नहीं हैं, बट जिस दिन मैं एपिसोड के लिए आऊँगी आई गेट टू सी एवरीबडी. सो मुझे अच्छे लगते हैं शोज लाइक आई लव डांसर्स, आई लव सिंगर्स, सो आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल द डांसर्स एंड सिंगर्स. ओके, सो योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट 4th April, अभी तक हमने उसे अनाउंस नहीं किया है, बट आई एम रिलीजिंग माई न्यू सॉन्ग कॉल परवा. रश्मि देसाई उसमें फीचर कर रही हैं एंड गुंजन सिन्हा फीचर कर रही हैं. सो आई एम रिलीजिंग अ सॉन्ग लाइक आई थिंक वो मेरे बिग बॉस में जाने से पहले मैंने किया था. नाउ आई एम रिलीजिंग अ सॉन्ग, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू.